निवाड़ी के गांव बीर सिंहपुरा के अचानक बिजली के तार टूटने के बाद भूस में आग लग गई, जिससे कड़ी मशक के बाद बुझाया जा सका। नगर परिषद तरीचर कला की ग्राम वीर सिंहपुरा में विद्युत लाइन का 11,000 केवी का बिजली का तार टूट कर गिर पड़ा, जिससे बीच गांव में बाड़ा में 3 ट्रॉली रखा भूसा जलकर राख हो गया। वहीं पास ही के खेत में इसकी चपेट में आ गए, जिसकी सूचना के बाद फायर ब्रिगेड एवं 100 डायल पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, लेकिन फायर टीम की मुस्तैद के कारण आग पर जल्द काबू पा लिया गया। टूटने से लग गई। अच्छा, दो टायर टूट गए। सूचना दी किसी को? हाँ दी, कुछ गांव वालों ने बुझा ली। अच्छा, मशीन वाले भी आए थे, 100 नंबर भी आई। अच्छा, तो फिर अब फिर गाड़ी आ पाई चले भी, अब बलोन ने लाइट बंद। नुकसान के देखो गया? नुकसान को तो सब नहीं, फिर गांव भर बुझा ली। अच्छा, तो और किसके किसके खेत में लगी? और लल्लू मुलायम बल्दिया सीताराम। अच्छा, मुन्ना बल्दिया हर पैसा। अच्छा, तो फायर ब्रिगेड को फोन किया? फिर करो फोन। निवाड़ी मध्य प्रदेश से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। हरकोना रोशन इंदौर, जनहित में कैनन न्यूज की एक पहल। अगर आपको पता है इंदौर शहर की ऐसी कोई गली, मोहल्ला या सड़क जहां रात होते ही पसर जाता है सन्नाटा, नहीं जलती रोड किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्स या खंभों पर लटक रहे बल्ब, तो आप हमें ऐसी जगह की फोटो और एड्रेस हमारे हेल्पलाइन नंबर 7414974149 पर भेज सकते हैं। हम आपके द्वारा बताए गए स्थान की पुष्टि कर उस जगह की शिकायत जिला प्रशासन व अन्य संबंधित विभाग को करेंगे, क्योंकि रोशनी में सब कुछ बेहतर लगता है, सुरक्षा मानक भी बेहतर होगा, हमें बेहतर रोशनी वाली सड़कों का हक है। तो जुड़िए हमारे साथ हमारे इस अभियान में, हरकोना रोशन इंदौर। यह अभियान शहर में सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था में सुधार की कोशिश पर केंद्रित है।